आज हम लोग कक्षा 9th का गणित विषय का चौथा चैप्टर दो चर वाली रैखिक समीकरण इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। तो रैखिक समीकरण होता है कि जिसमें ऐसा समीकरण जिसमें जो चर राशि की जो घात पावर होती है वो वन होती है, मैक्सिमम पावर उसकी वन होती है, वो रैखिक समीकरण कहलाता है। ये हमने एक एग्जाम्पल लिखा है एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, यही एक चर वाला रैखिक समीकरण है। और जो सेकंड इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, या इसको ऐसा लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो। तो ये इसका बेसिक है। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन है। ये जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है इसमें एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण लिखो। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमको इनकी कीमत नहीं मालूम है, तो इसको हम अननोन राशि से इसको हम पहले इसको प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उससे। तो ये हो जाएगा माना एक नोटबुक की कीमत एक्स रुपए है और कलम की कीमत वाई रुपए है। प्रश्नानुसार क्योंकि यहां दिया हुआ है नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत से दोगुनी है, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू दो वाई, या फिर इसको ऐसा लिखा जा सकता है एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो। यही जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें क्वेश्चन नंबर एक सेकंड है, सेकंड में दिया हुआ है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में व्यक्त करो। और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी के मान बताइए। ए बी सी
जिसमें लिखा हुआ पहला नंबर 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। यहाँ जो इसकी वैल्यू है आपको एबीसी के मान देखना, तो एक एक मतलब क्या है, ये एक्स का जो कोफिशियंट गुणांक है वो ए रहेगा, वाई का जो कोफिशियंट है वो यहाँ रहेगा 3 रहेगा, और जो सी में ये संख्या आ जाएगी तो लिख सकते हैं यहाँ ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू 9.35 बार। इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे। अब हम देखेंगे किसी रैखिक समीकरण का हल। ये एक्सरसाइज 4.2 है, इसका सेकंड क्वेश्चन है। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखो। इसका जो पहला नंबर है 2x प्लस y इक्वल टू 7, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ x और y का डिफरेंट वैल्यू रखेंगे और उसका जो वैल्यू है वो 7 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ हम डिफरेंट वैल्यू रखेंगे और हमको केवल 4 यहाँ वैल्यू रखना है। जैसे यदि हम यहाँ x इक्वल टू यदि 2 रखते हैं और y इक्वल टू यहाँ यदि 3 रखते हैं, तब इसमें वैल्यू क्या आएगी, 2 × 4 और ये 3, तो 4 × 3 = 7 ही वैल्यू इक्वल हो जाएगी इसकी। यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं हम यहाँ, ये यहाँ जो है ये 2 × 2 + 3 = 7, यानी हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, 4 + 3 = 7, 7 = 7। तो इसका एक ये हल होगा, x = 2 और y = 3। अब हमको इसके बाद इसका 3 और हल देखना है। सेकेंड में देखेंगे यहाँ पुनः एक्स इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू 1 रखने पर, तो क्योंकि यहाँ 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 है तो यहाँ रखेंगे इसकी वैल्यू 3 रखेंगे, तो 2 × 3 + 1 इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा 6 + 1 = 7, 7 = 7। तो ये इसका सेकंड इसका हल होगा, ये दूसरा हल होगा। अब तीसरे के लिए देखेंगे यहाँ एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 7 रखने पर, तो यहाँ हो जाएगी ये वैल्यू रखेंगे 2 × 0 + 7 = 7, ये पूरी वाली 0 हो जाएगी, तो 7 = 7। ये तीसरा हल है। चौथे हल के लिए एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 5 रखने पर, तो 2 × 1 + 5 = 7, तो 2 + 5 = 7 और 7 = 7। तो यहाँ देख सकते हैं, अतः समीकरण के 4 हल 2, 3, 3, 1, 0, 7 और 1, 5 है। इस प्रकार से हमको इसका हल देखना है। यानी हम कोई भी यदि कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हम चार राशियों का हम कोई भी मान रखेंगे तो वो मान जो उसके बराबर कुछ दूसरी हो सके उसके बराबर आना चाहिए। यदि आ रहा तो उसका एक हल होगा वो।
हम इसमें क्वेश्चन नंबर एक तीसरा है, इसमें क्वेश्चन नंबर थ्री, इसमें इनको क्या करना बताइए, निम्नलिखित में निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस टू बाइस्कल टू फोर के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे, इसमें इसका ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पास जीरो टू सेकेंड है, टू जीरो तीसरा इसका, फोर जीरो चौथा है, रूट टू फोर रूट टू पाँचवा है इसका, वन वन। तो हम क्या करेंगे, इनमें से ये जैसे x की वैल्यू ये y की वैल्यू ये, तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे और जो वैल्यू फोर की कॉल आ रहा है तो वही उसका हल होगा। तो यदि हम देखते हैं, यदि यदि ये वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, देख तो आता है कि नहीं इसकी वैल्यू, यानी हम जैसे ये जो है x माइनस टू वाई स्क्वायर टू फोर है, तो x में जीरो रखेंगे और y में दो रखेंगे, तो ये हो जाएगा दो गुणे दो, यानी माइनस फोर स्क्वायर टू फोर, ये संख्या बराबर नहीं आ रही है, तो ये कह सकते हैं कि जीरो दो समीकरण का हल नहीं है। इसी प्रकार इसमें सेकंड को देखते हैं, ये दिया हुआ है सेकंड में टू जीरो इसमें रखेंगे भाई, जैसे हम एक्स स्थान पहले ये एक्स के स्थान में दो रखेंगे और वाई के स्थान में जीरो रखेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पास टू माइनस टू इंटू जीरो इजकल टू फोर, तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो टू इजकल टू फोर ये वैल्यू बराबर नहीं है, तो यहाँ कह सकते हैं कि दो जीरो समीकरण का हल नहीं है। इसी पर जो तीसरा नंबर है, इसमें तीसरा फोर जीरो दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एक्स के स्थान में फोर रखेंगे वैल्यू को और वाई के स्थान पहले जीरो रखेंगे, अब देखते हैं इसका वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये यहाँ दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है, तो हम क्या क्या कह सकते हैं कि फोर जीरो समीकरण का हल है। हम देखते हैं इसका चौथा नंबर, चौथे में इसमें कि दिए दिए हुआ टू रूट टू दिया हुआ है और फोर रूट टू दिया हुआ है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो उनके पास इक्वेशन क्या था, एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू फोर, हम एक्स स्थान में यहाँ रूट टू वैल्यू रखेंगे और वाई के स्थान में फोर रूट टू, तो ये रूट टू माइनस एक गुणा करेंगे तो एट रूट टू आ जाएगा फोर। अब ये एट रूट टू है, ये रूट टू है, तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो माइनस सेवन रूट टू, ये वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, तो यहाँ कह सकते हैं कि रूट टू फोर रूट टू समीकरण का हल नहीं है। पांचवा नंबर है, पांच में दिया हुआ वैल्यू वन वन दिया हुआ है, इसको देखते हैं, अपने पास इक्वेशन एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू फोर, एक्स के स्थान में वन रखेंगे वाई के स्थान में वन रखेंगे, तो ये हो जाएगा वन माइनस टू इंटू वन इक्वल टू फोर, ये हो जाएगा वन माइनस टू इक्वल टू फोर या माइनस वन इक्वल टू फोर, ये वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, तो यहाँ कह सकते हैं कि रूट टू फोर रूट टू समीकरण का हल नहीं है।
इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को हल करना है। इसी में एक चौथा नंबर क्वेश्चन है, के का मान ज्ञात करो। जबकि x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू k का एक हल हो। तो इसमें क्या करेंगे, जहाँ x है वहाँ वैल्यू 2 रखेंगे, जहाँ y वैल्यू 1 रखेंगे और k का मान ज्ञात करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये दिया गया समीकरण। टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू के, यहाँ रखेंगे x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 रखने पर इसमें वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू के, या 4 प्लस 3 इक्वल टू के, 7 इक्वल टू के, या के इक्वल टू 7। ये इसका मान है। ऐसे सवाल को हमको इसको हल करना है। ये प्रश्न वाली 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचो। हम इसका पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें यह दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, इसको देखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं जैसे ये x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, इसको लिखा जा सकता है y इक्वल टू x को हम दाएं तरफ इसको पक्षांतर कर देते हैं तो 4 माइनस x हो जाएगा। हम इसको टेबल बना लेते हैं, यानी x y आलेख खींचने के लिए कम से कम तीन वैल्यू हमको चाहिए। जैसे कि यदि हम यहाँ x की वैल्यू 0 रखें तो हमको y के मान यहाँ 4 मिलेगा। इसी प्रकार यदि हम x की वैल्यू 2 रखें तो y के मान हमें 4 में 2 घटाएंगे 2 मिलेगा। इसी प्रकार यदि हम x का मान यहाँ 4 रखें तो हमको y के मान यहाँ 0 मिलेगा। हम इसका आलेख खींचेंगे। यहाँ आलेख खींचने के लिए सब पर हमें कि दो अक्ष बनाएंगे, यहाँ पर x और y। ये x एक्सिस हो गया, x डैश, ये y अक्ष हो गया, और ये जो हो गया y डैश, ये बीच में मूल बिंदु होता है। हमको जैसे हमने x की वैल्यू 4 तक मैक्सिमम हमारी वैल्यू आई है मैक्सिमम, तो हम यहाँ 4 तक इसको यहाँ डिफरेंस में ले लेंगे 1, 2, 3, 4 एक बल के बढ़ा सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। y की वैल्यू कहाँ तक इसमें आई है, ये भी 4 तक ही आई है 1, 2, 3, 4। यहाँ भी कोई वैल्यू ले सकते हैं -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3। हमको कहने का पॉजिटिव वैल्यू लेना है ये 1, 2, 3, 4। तो पहले हमने क्या किया है, x की वैल्यू हमारी 0 है तो x में y का मान कितना 4 है, तो यहाँ एक वैल्यू रखी बिंदु रखेंगे। इसी प्रकार x का मान 2 रखने पर उनको y का मान 2 मिला है, यानी x का मान 2 रखने पर y का मान 2, तो एक बिंदु इसके सीधे में रखेंगे यहाँ पास। इसी प्रकार x का मान 4 रखने पर उनको y का मान यहाँ 0 मिला है, तो हम यही रखेंगे बिंदु यहाँ, और इससे एक आलेख खींचेंगे हम, एक रेखा खींच इससे मिलाती हुई। इस प्रकार से आलेख आएगा, इसमें बिंदुओं को दर्शा देंगे। जैसे यहाँ पास क्या आई है 0 पे 4 है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पास 4, 0। सेकंड बिंदु है
टू टू है, यहाँ पास जो बिंदु दिया हो यहाँ पास 0 4, इस प्रकार से हम इसका एक आलेख खींचेंगे। यानी इसको यहाँ लिख सकते हैं यही अभीष्ट लिखा चित्र है। इसके हम कोई नाम भी दे सकते हैं, सपोज इसकी ये बी हो गया, ये क्यू हो गया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाले 2 रेखाओं के समीकरण लिखो, इस प्रकार कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं और क्यों, इसको हल सॉल्व करेंगे हम। तो हम इसमें एक इक्वेशन लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16। यानी जो भी बिंदु होगा यहाँ, 2 बिंदु यहाँ दिए गए हैं 2 और 14 से होके, तो जो इनका जो सम होगा 16 की इक्वल होगा। तो अब हमको इसमें बताना है कि इससे होगा कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, मतलब इसमें हम x और y की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे और उसकी उसकी जो वैल्यू उसका जो सम है वो 16 के बराबर आए, तो इस पर कितने बिंदु रखे जा सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन को, या इसको दूसरे ढंग से y इक्वल टू 2x प्लस 10। इसमें हमें क्या है, हमें 2 रेखाओं के समीकरण लिखना है। तो जैसे कि हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 16 या और y इक्वल टू x प्लस 10। यहाँ यदि हम x की वैल्यू 2 रखें और y की वैल्यू यदि 14 रखें तो इसका दोनों का सम 16 होगा। और इसी में यदि x की वैल्यू यदि हम यहाँ 2 रखें और y की वैल्यू 14 रखें तो 2 गुना 4 14 ही हो गया, और 14 ही मतलब ये जो वैल्यू है 14 इक्वल टू 14, है ना, यानी दोनों की ये वैल्यू आपस में संतुष्ट करेगी, सेटिस्फाई करेगी। इसी प्रकार में और ये वैल्यू ले सकते हैं समझने के लिए, जैसे ही हम ले सकते हैं 7x - y = 0। तो यदि हम x की वैल्यू यहाँ 2 रखें तो ये हो जाएगा 7 गुना 14 और ये -14 = 0, मतलब ये कि इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो इस पर अगर हम कई रेखाएं इसमें से खींच सकते हैं तो यह इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार की कई रेखाएं या अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है और कुल किराया y रुपये है तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखो और इसका आलेख खींचो। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ दिया गया है तय की गई कुल दूरी ये दिया हुआ है, x किलोमीटर दिया हुआ है और पहले किलोमीटर किराया जो दिया हुआ है यहाँ पास, पहले किलोमीटर का किराया ये यहाँ दिया हुआ है ये 8 रुपये है, तो शेष x-1 यानी इसमें से 1 माइनस कर दें क्योंकि 1 किलोमीटर का जो है माइनस करके शेष का किराया देखेंगे, तो x-1 किलोमीटर का किराया यानी बात की दूरी के लिए ये हो जाएगा 5 रुपये, यानी जो अगला किलोमीटर जो किराया उसमें 5 रुपये की दर से उसको रेट लिया जा रहा है यहाँ। तो यहाँ लेके प्रति
किलोमीटर की दर से ये हो जाएगी यहाँ 5 × x-1 यानी रेट भी रहेगा साथ में उसकी दूरी भी रहेगी तो कुल किराया है हो जाएगा 5 × x-1 + 8 यानी पहले किलोमीटर किराया 8 रुपये बाकी के लिए ये 5 × x-1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 5x-5 इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर देंगे तो -5 + 8 अब 8 से 5 घटाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 5x-3 ये एक इक्वेशन बन गया एक रैखिक समीकरण बन गया अभीष्ट समीकरण। y = 5x + 3 अब इसमें हम इसका लेख खींचने वाले खींचने के लिए क्या करेंगे इसमें हम x की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमको y की यहाँ वैल्यू मिलेगी कम से कम यहाँ 3 वैल्यू तो रखेंगे ही पर इसका डब में बॉक्स बना लेने वैल्यू का यदि हम x की वैल्यू तो 0 रखें तो हमको y का मान 3 मिलेगा यदि x की वैल्यू हम -1 रखें तो कितना हो जाएगा -5 + 3 मतलब -5 + 3 -2 यहाँ -2 वैल्यू आ जाएगी और यदि हम x की वैल्यू यहाँ कितना रखें 1 रखें तो 5 × 1 तो 5, 5 और 3 8 तो वैल्यू हो जाएगी 8। तो हम इसे काले खींचेंगे पहले दोनों अक्ष बना लेंगे यहाँ x में हमको ये जो वैल्यू है कम से कम 4 तक ले जाएंगे y में उसमें 8 नंबर तक इसको ले जाएंगे डिफरेंस में मूल बिंदु 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसका ऊपर बढ़ा ले रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ तक ले जाएं इसको ये1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ -1, -2, -3, -4 तो पहली वैल्यू x की वैल्यू 0 तो हमको y का मान कितना मिला यहाँ 3 मिला तो यहाँ 3 लिखेंगे एक बिंदु यहाँ रखेंगे x का मान -1 तो y का मान -2 तो यहाँ लिखेंगे इसके सीध में इधर आएंगे इसी प्रकार x का मान 1 तो y का मान 8 1 पेट वैल्यू मिली है इसके सीधे ऊपर जाएंगे यहाँ यहाँ वैल्यू जाएंगे सीधे 8 में और इसको मिलाते एक रेखा खींच देंगे इस प्रकार से किसमें एक रेखा आ जाएगी इसको पी क्यू मान लेते हैं इनमें बिंदु को दर्शा लेते हैं हम -1 से -2 इसमें वैल्यू भी रहेगी 0 पे 3 इसमें वैल्यू रहेगी 1 पे 8 यही इसका विष्ट आलेख है यानी इसको लिख सकते हैं पी क्यू अभीष्ट लेखा चित्र है इस प्रकार से इसका हम ग्राफ खींचेंगे ये 4.4 का
फर्स्ट क्वेश्चन है, एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में y इक्वल टू 3 का ज्यामिति निरूपण करो। इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका समीकरण y इक्वल टू 3 का एक चर वाले समीकरण के रूप में ज्यामिति निरूपण इसके लिए की रेखा खींचेंगे। यहां ये वाई रखेंगे क्योंकि वाई इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ये बीच में मूल बिंदु रखेंगे। यहाँ सभी पॉजिटिव नंबर्स या निगेटिव नंबर्स। क्योंकि वाई इक्वल टू 3 दिया हुआ है तो यहाँ रखेंगे बिंदु को वाई इक्वल टू 3। अतः समीकरण y इक्वल टू 3 का एक चर वाले समीकरण के रूप में अभीष्ट ज्यामिति निरूपण है। यदि यहाँ x इक्वल टू 3 हो तब यहाँ हम x रखते हैं, x अक्ष को यहाँ लिखते हैं, मतलब जो भी दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ उसके लाइन को ड्रॉ करेंगे। इसी का सेकेंड नंबर है समीकरण y इक्वल टू 3 का दो चर वाले समीकरण के रूप में ज्यामिति निरूपण। ये हम दोनों अक्षों पे बनाएंगे क्योंकि हमको क्या बोला है यहाँ पर दो चर वाले समीकरण के रूप में बोला है तो हम क्या करेंगे दो अक्ष यहां बनाएंगे। ये मूल बिंदु रहेगा। क्योंकि वाई कर 3 यहां बोला है तो यहां पहले 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ये y इक्वल टू 3 है तो ये हम क्या करेंगे यहाँ से बिंदु रखेंगे y इक्वल टू 3। इसके यहाँ से एक रेखा खींच देंगे जो कि x अक्ष के समांतर होगा। यहाँ जो y की जो वैल्यू में सब 3 रहेगी x की वैल्यू यहाँ चेंज होती रहेगी। तो यदि यहाँ हम लें तो यहाँ जो बिंदु हो जाएगी यहाँ बिंदु है 0 3 है। यदि यहाँ लें तो यहाँ जो बिंदु रहेगा ये -3 से 3 और यहाँ जो बिंदु रहेगा ये रहेगा 3 3। यानी यहाँ y की वैल्यू में सब 3 रहेगी, x की वैल्यू में कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब y इक्वल टू 3 क्या है, x के समांतर एक रेखा होगी जो x अक्ष से 3 उसकी दूरी 3 तक रहेगी, हमें 3 यूनिट तक रहेगी इसकी दूरी रहेगी।
यहाँ लिख सकते हैं, अतः समीकरण y इक्वल टू 3 का दो चर वाले समीकरण रूप में ज्यामितीय निरूपण है। यदि यहाँ y की वैल्यू 4 होती तो हम यहाँ 4 पे एक लाइन ड्रॉ करते, यानी जो भी डिस्टेंस दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हमको वहाँ लाइन ड्रॉ करनी है। यदि आपको इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। यदि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।